हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पोहे और सूजी से ये बहुत ही शानदार नाश्ता, और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी भी है। आप इसे बच्चों को भी टिफिन में दे सकते हैं, हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स में पैक कर सकते हैं, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मैंने आधा कप पोहा ले लिया है। इसे अच्छे से साफ पानी से धो लें। धोने के बाद इसे मैंने एक कप सूजी डाला है, इसमें लगभग 2/3 मैंने इसमें दही डाला है, और एक कप पानी डाल के इसे अच्छे से मिलाएं। वाटर की कंसिस्टेंसी आप बाद में चेक कर लें कि इतनी और ऐड हो सकती है। लगभग मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाला था, और सब ये सब मिलाने के बाद इसे जार में डाल के इसे अच्छे से पीस लें। पीसने के बाद इसे एक बॉल में निकाल लें, इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल दें, और अब इसे अच्छे से मिलाएं। और इसमें मैंने चॉप धनिया पत्ता डाला है। ये सब डालने के बाद इसे मिला लें, और फिर लास्ट में इसे इसमें एक टी स्पून बेकिंग पाउडर डालें, और ये सब डालने के बाद इसे तवे पे स्प्रेड कर लें कुछ इस तरह से जैसे मैंने स्प्रेड किया है। पहले आप तवे पे ऑयल से ग्रीस कर लें, उसके बाद इसे तवे पे स्प्रेड कर लें। आप चाहे तो कटोरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे स्पून से किया है। और ये रेसिपी हमारी मैक्सिमम से मैक्सिमम 1/2 आवर में ये बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि जो सूजी जो हमने डाला था उसे लगभग आप 15 से 20 मिनट के रेस्ट पे रख दें, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए, ताकि ये अच्छे से बन सके। और आप देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी और शानदार रेसिपी बनी है। और आप इसे चटनी के साथ या सांभर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।